प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं और नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मेगा रोड शो किया। ये वाराणसी का BHU सिंह द्वार है और इसी जगह से प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो की शुरुआत की है। ये महामना की प्रतिमा है और इसी प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा माल्यार्पण किया है और उसके बाद अपने 5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो की उन्होंने शुरुआत की है। ये रोड शो वाराणसी के विभिन्न इलाकों से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा और काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बकायदा बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन करेंगे और एक बार फिर से बाबा से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। बात यदि इस रोड शो की करें तो प्रधानमंत्री का तमाम जगहों पर स्वागत हुआ है, तमाम महिलाओं ने उनका स्वागत किया है। आइए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मैं रोड शो में आई थी, किस तरह प्रधानमंत्री का स्वागत किया है आप लोगों ने? हम लोग प्रधानमंत्री तहे दिल से भव्य स्वागत करने आए हैं यहाँ। हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ही नहीं है, हमारे लिए भगवान है, राम है। ये राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, हर बार लाएंगे, बार बार लाएंगे, हमारी यही हार्दिक इच्छा है। 5 किलोमीटर का ये रोड शो था, आप लोग भी आए पूरे उत्साह के साथ। महिला शक्ति इसका जो रोड शो था वो उसका नेतृत्व कर रही थी, कैसा लगा इस बार? बहुत ही अच्छा लगा और हम महिलाओं की सुरक्षा को भी मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया, सुविधाओं को भी बहुत ध्यान दिया। और क्या, जैसे उज्ज्वला योजना है और बहुत ज्यादा महिलाओं को ध्यान दिया। क्या लगता है सर, BJP कह रही है कि 400 पार करेंगे? 400 पार नहीं भैया, हमको तो लगता है 500 पार कर जाएगी BJP। आज की भीड़ देख के बिल्कुल हम लोग देखिए जैसे त्योहार की तरीके से मन रहा है, काशी बिल्कुल काशी मय ही हो गया है। कैसे आपने कैसे स्वागत किया भैया? बहुत अच्छे से, जिस तरीके से हमने देखा, पहले हम लोग भीड़ में उधर फंस गए थे, फिर पूरी कोशिश की, मैंने वीडियो भी बनाया, फोटो भी खींची, फिर बहुत दूर तक गए भी अपने मोदी जी को लिए। हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री तो देखते ही है, लेकिन वो एक मेरे लिए पेरेंट्स टाइप के भी हैं और भगवान भी हम देखते हैं उनको। और जैसे हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इस बार 500 पार हो, तो हम गिलहरी प्रयास भी करवाते जा रहे हैं लोगों से कि लोग पूरा प्रयास करें अपना कि मोदी जी इस बार पूरे 400 पार तो होना ही चाहिए, जिसमें कि वो अपने संविधान को जो उनका इच्छाएं है वो पूरी करके जाए। इसीलिए उनके स्वागत के लिए मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये महिलाएं थी जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही थी और इनका उत्साह आप देख सकते हैं, महिलाओं का उत्साह एकदम जोर पे है। और अभी जो रोड शो है वो यहाँ से 80 को क्रॉस किया है और अभी आगे करीब 4 किलोमीटर का और इलाका है जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे, उस रोड शो को करेंगे। और लगातार जो रोड शो का है वो जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, कहीं कुछ वर्षा हो रही है तो कहीं गीत संगीत और नृत्य से भी उनको स्वागत दिया जा रहा है। वाराणसी से अभिषेक जायसवाल, लोकल 18।